वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज के दिन गाइस मैं दोबारा से बहुत ज्यादा सैड हूँ। अभी लगभग दिन के 2 बजने वाले हैं और आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मुझे मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी का मैसेज आता है, तो मैं तुम लोगों को वो मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। स्मार्टी, आज तू बचेगा नहीं, आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर आकर तेरे घर के अंदर से कुछ तो चोरी करने वाला हूँ। अगर हिम्मत है तो चोरी रोक के दिखाइयो। भाई साहब, ओपन धमकी मुझे मिल चुकी है मेरे असिस्टेंट के थ्रू, इसलिए गाइस मैं बहुत ज्यादा डरा हूँ सुबह से लेकर यार, बिकॉज मेरे असिस्टेंट जो ठान लेता है ना वो करके रहता है भाई, पता नहीं क्या चोरी कर लेगा। एंड गाइस, इस वक्त मैं माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुका और ये ना गाइस बाय द वे मेरा ऑफिस है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। कुछ हिंट्स दिए मुझे गेम ने, दैट्स द एंड ऑफ द डे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आया था लिख के कि मुझे अपने घर वापस जाना है, और हिंट है मेरा जो घर है वो बर्च हाउस है। तुम लोग समझ रहे हो यहाँ पे भाई साहब, अभी मेरे को ऑफिस से फटाफट अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बहुत ज्यादा जल्दी प्लीज कीप द लाइट्स ऑन, ओके ठीक है भाई, मैं लाइट्स वगैरह को ऑन रखने वाला हूँ। एंड जल्दी जल्दी घर वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज फलाना जी यहाँ पर आकर कभी भी चोरी कर सकता है। बाय द वे, हाउ क्यूट इज माई लैपटॉप, चेक दिस आउट। ऑफिस के अंदर मेरा लैपटॉप काफी ज्यादा क्यूट है यार। एंड आई गेस ये एक यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है। आई हैव नो आइडिया भैया कि मैं किस टाइप के ऑफिस में काम करता हूँ, बट यहाँ से अभी बाहर जाने का समय हो चुका है। व्हाट द हेक, आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ से आया था। ओह नाइस ट्रांजिशन बाय द वे। एंड ये है गाइस मेरे ऑफिस के मेट्स, ये है हमारी प्यारी प्यारी लड़की, ये है हमारे अंकल जी, और ये है हमारे एक और अंकल जी। बाय द वे गाइस, मैं सच्ची बताऊँ तुम लोगों को, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट टाइम वेस्ट अपना, मुझे जल्दी जल्दी अपने घर वापस जाना है। एंड मेरा बर्च वाला हाउस आएगा, ये वाला मेरा घर हो सकता है। अगर अभी तक यहाँ पे फलाना जी अंदर घुसकर कोई ना कोई चीज चोरी कर चुका होगा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो जाने वाला है। बाय द वे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था आई बेटर टर्न ऑन द टीवी, तो मैं टीवी को फिलहाल को तो मैं करने वाला नहीं हूँ। विजर्ड्स लैब वाले वर्ल्ड के अंदर कितना गंदा टीवी था, ये वाला देखो कितना प्यारा टीवी है। एक बार अपने घर को अच्छे तरीके से चेक तो करें। ये है बेड मेरा, मुंह के सामने एक शेल्फ रखी हुई है जहाँ पर किताबें है बहुत सारी। अभी तक यहाँ से क्या चीज चोरी हो सकती है, मेरा खाना नहीं है इसके अंदर। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ गाइस, आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं कभी जिंदगी में ऑफिस जाता तो सुबह से मैं लाइक ऐसे ओवन वगैरह में खाना वगैरह डाल के रखता है ना, बना के रखता लाइक सुबह ही, आई डोंट थिंक सो। तो वहाँ पे सब कुछ अभी तक, आई डोंट थिंक सो कि फलाना जी अभी तक इस घर के अंदर आया है। आई थिंक आई एम सेफ, अभी उसके बाद आने वाला ब्रो, मैं तो अपने घर के यहाँ पे निगरानी रखने वाला हूँ। आई एम नॉट इवन जोकिंग, 10-12 मुस्टंडे लेके आ जाऊंगा, अपने दोस्त वगैरह लेके आ जाऊंगा मैं एसडीओ फलाना, लाइक ड्रीम बॉय को, फलाना जी को मैं बिल्कुल बिछड़ने वाला नहीं। व्हाट कुछ तो कांड हो चुका है। वेट, नीचे आ लिखा है वेयर एम आई एग्जैक्टली, ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। हेलो आई एम जॉन, व्हाट एम आई डूइंग हेयर, आई किडनैप्ड यू बिकॉज आई वांट योर मनी, व्हाट द हेक मैन, बट व्हाई मी, इसने मुझे ही क्यों किडनैप किया, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी। अच्छा मैं वहाँ पे जॉब नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टर था जहाँ पर मैं अभी जॉब के लिए गया था। लाइक आई थिंक यू हैव मच मनी बट माई मनी इज ऑन द बैंक राइट, यू गॉन ग्रैब द मनी एंड गिव इट टू मी, और मैं लिख रहा हूँ नीचे नो नेवर, ओके देन आई मर्डर मेलेनी, नॉट मेलेनी, व्हाट, वेट, देन यू गोना गिव द मनी, वेट अ सेकंड गाइस, अभी तुम लोगों को पता होगा अभी कुछ दिनों के अंदर एक मूवी आने वाली है, ये वाली मूवी जॉन विक करके एक मूवी आने वाली है, और तुम लोगों को पता है आजकल फलाना जी मुझे पता क्या बोल रहा था कि मैं तो जॉन विक बनूंगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, ये जो जॉन है गेम के अंदर यही यहाँ पर फलाना जी है, और अगर ये मिस्टर फलाना जी हुआ तो मेरा हो जाएगा अभी दिमाग खराब। एंड बाय द वे ये मेलेनी कौन है भाई, आई हैव नो आइडिया। ओ वेट अ सेकंड, व्हाई एम आई गेटिंग द फीलिंग कि ये जो मेलेनी है ये मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है देन आई मर्डर मेलेनी, अगर मैंने मिस्टर फलाना जी को जो कि जॉन बन के आया हुआ है उसको अगर मैंने पैसे नहीं दिए मेरी गर्लफ्रेंड को मार देगा, इसकी ऐसी की तैसी। इस बंदे को भी कोई शर्म नहीं है भाई, एक तो बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड पटाई मैंने है ना, और फिर ये बंदा उसको मारने, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे को यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर जाना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पर फटाफट बाहर जाकर गाइस लाइक बैंक वगैरह में जाकर पैसे वगैरह निकालने पड़ेंगे, मुझे पैसे देने पड़ेंगे फलाना जी को। भाई साहब ये बंदा यहाँ पे गलत काम करते, गो टू सिटी, यस मुझे वापस सिटी के अंदर जाना है, ऑब्जेक्टिव गो टू द बैंक। ठीक है भाई चला जाऊंगा बैंक के अंदर, यार मिस्टर फलाना जी ने माइनक्राफ्ट के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही बना दिया मेरा भैया, कि मुझे तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बैंक से पैसा निकाल के लाना है। वाह भाई वाह। एंड वेट अ सेकंड, इज दिस माय हाउस, ये बर्च का हाउस है, वेट ये क्या है, ड्रॉप द मनी हेयर। अच्छा मेरे बेटे, जब हम लोग बैंक से आएंगे ना पैसा लेकर तो पैसा मुझे वहां पर डालना है। ये मिस्टर फलाना जी द जॉन का घर है,
भाई साहब मेरा असिस्टेंट बहुत ज्यादा इविल बन चुका गाइस। यार मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ना बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड उसने मार दी ना यहाँ पे मेरे को बहुत दुख हो जाएगा। यस एग्जैक्टली गाइस, ये देखो सामने, यहाँ से अंदर मेरा ऑफिस था और ये मेरा घर है और वो मुंह के सामने आई गैस फलाना जी का घर हो सकता है। मुझे बैंक जाना पड़ेगा सबसे पहले, बट वेयर इज दिस बैंक? आई थिंक ये वाला भी यहाँ पर बैंक हो सकता। नहीं, मैं यहाँ से अंदर जा नहीं पा रहा एक्चुअली। मैं आज देख सकती, ये बैंक है यहाँ पे। वेयर इज दिस बैंक ब्रो? ओ दिस इज द बैंक। वाह भाई वाह, एक सेकंड रुको जरा, मेरे को देखने दो। इतनी ज्यादा सेफ्टी बैंक के ऊपर, ओ माई गॉड भाई, मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई। नॉट इवन जोकिंग, गेट द मनी। हाँ जी मैडम जी, आप कहीं मेलेनी तो नहीं हो? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अगर तो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुझे पक्का पहचान लेता यहाँ पे। यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओके? हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई वॉन्ट टू कलेक्ट ऑल ऑफ माई मनी। रियली ऑल ऑफ इट? हाँ जी, मेरी गर्लफ्रेंड की जान यहाँ पे खतरे में है। यस, आर वी गोना वेट फॉर क्रिसमस और व्हाट? वी कैन डू दैट। नो, आई वॉन्ट माई मनी, हियर इट इज, थैंक यू सो मच, वेट अ सेकंड, ड्रॉप द मनी इन द हाउस। एक सेकंड, तुम लोग मुझे ये बोल रहे हो मैंने इतने सालों से लेकर YouTube किया, इतना कुछ हासिल किया और मेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? इतना, ये एक कागज का पुतला। तुम बैंक वाले चोर, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अंदर घुस के मारूंगा तुम लोगों को मैं, मेरे पैसे चुरा दे तुम लोगों ने। खैर छोड़ो गाइस, ज्यादा चीखे चिल्लाना क्या यार। अब ये जो मेरा पैसा है इसको लेके मुझे घर के अंदर जाना है और वहां पर ड्रॉप करना है। ये भाई देखो, अभी गाइस मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो आई एम होपिंग कि भाई ये जो चोर है हमारा, ये इतना ईमानदार जरूर होना चाहिए लाइक फलाना जी की मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। प्लीज यार मारियो मत उसको गलती से भी यार, आई विल बी सो सैड। मैंने इसको गिरा तो दिया है नीचे, आएगा इसके बाद ये बंदा कहीं से इस पैसे को उठाने में। आइडिया गाइस, इधर ही छुपा रहता हूँ कि फलाना जी जैसे यहाँ पर पैसा उठाने के लिए आएगा ना, इसको धर धर पूछूंगा यहीं पे। क्या बोलते हो तुम लोग हैं? इधर ही पेल देंगे इसको। वेट अ सेकंड यार, वो नहीं आएगा। मेरे को अभी याद आया यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉप द मनी हियर। यार ले फेंक दिया मैंने। अब What? बेटे मैंने इस बंदे को पैसा दिया और ये बंदे ने मुझे कहीं और ही उड़ा के लेके चला गया। ये गलत बात है भाई, I'm not even joking, मैंने गलत बात है। ये कौन है यहाँ पे? टॉक टू जॉन। ये फलाना यहाँ पे एक्चुअली में शक्ल भी चेंज करके आया ब्रो। देखो इसको सामने, मेरे को आगे अंधे, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड वापस दे मेरे को। अरे भाई मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ एक्चुअली गाइस। This is so sad. रुको गाइस, मैं जॉन से एक बारी बात करके आता हूँ, अगर ये बात करेगा। वेलकम बैक, थैंक्स फॉर द मनी, हा 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 हा। पकौड़े पैसे ले ले, मेरी गर्लफ्रेंड वापस दे। कैन आई गेट हर बैक नाउ? नो, वॉट नो, आई वॉन्ट माई गर्लफ्रेंड। यस एक्जैक्टली गाइस, मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। नीचे यहाँ पे तुष्टि हो चुकी है इस चीज की, मैं से ना पूरा कबरा गाइस बात करके आता एक बारी एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओ माई गॉड, ये देखो सामने क्या है, द लीवर्स। मैं गाइस तुम लोगों को ना अभी यहाँ पे दिखाता हूँ क्या फलाना जी ने यहाँ पर क्या कांड किया हुआ। देखो यहाँ पे भाई, जब मैंने फलाना जी को बोला कि ब्रो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए, तो बंदा बोल रहा है पहले तुझे कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। मैंने बोला व्हाई? फिर ये बंदा बोलता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ एंड आई वांट टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस। तुम लोग समझ रहे हो भाई, ये बंदा एक नंबर का नहायत ही बेकार आदमी है भाई। यहाँ पे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड उठा दी इसने यार। और ये पता क्या मैंने लिखा इसको, ओके देन फॉर मेलानिन, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी से मुझे गाइस पहला टास्क दिया, फॉर द फर्स्ट टेस्ट यू हैव टू पुल द लीवर्स ऑन और ऑफ द डोर्स ओपन इफ इट्स करेक्ट। तो बेसिकली अपने को सामने वाला दरवाजा यहाँ पर खोलना है और यहाँ पर पूरे 8 लीवर्स हैं और इन लीवर्स के कॉम्बिनेशन में ये वाला दरवाजा खुलने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों गाइस ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो बंदा है ना, जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ना, देखो ये पक्का मेरा बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसने बोला कि एक ये यहाँ पर साइंटिस्ट है और ये यहाँ पर क्या करना चाहता है, ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो हो सकता है कि ये भी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस चेक करना चाहता है। और अगर मैं इसके इस टेस्ट में पास होता हूँ तो भाई ये फिर मुझे भी अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना देगा, तो मुझे मार देगा, तो अपनी आर्मी पता नहीं क्या कर देगा भाई ये बंदा। बट गाइस पार तो करना पड़ेगा, मेरी गर्लफ्रेंड की जान का सवाल है भाई, उसको जिंदा चाहिए भाई किसी भी हालत में। यार रियल लाइफ में तो मेरे लगे हुए हैं ना, बट गेम के अंदर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए भाई। आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। एंड बाय द वे मैंने कुछ ज्यादा रिवील कर दिया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट गाइस, एवरीथिंग इज ओके विद मी, ओके? तो गाइस यहां पे लिखा हुआ है द लीवर नेक्स्ट टू मी मस्ट बी ऑन। इसका मतलब इसके साइड वाला लीवर या तो ये वाला ऑन होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है ये भी ऑन हो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑफ हो सकता है। इन दिस रो टू लीवर्स आर डाउन, द डबल ऑफ मी मस्ट बी ऑन। अब देखो गाइस ये 4 है तो इसका 8, इसका डबल क्या हो गया 8, 8 वाला
ऑन होना चाहिए, ये वाला ऑन ही रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ 5 and 6 आर ऑफ, तो 5 and 6 को किया ऑफ, ओके। और इससे बोला है द लीवर अपोजिट टू मी इज ऑन, इसका मतलब इसके सामने वाला ऑन रहेगा, ठीक है। तो गाइस इसकी पोजीशन मुझे पता चल चुकी है, इन दोनों की पोजीशन और लास्ट वाली की पोजीशन मुझे पता चल चुका है, इसलिए भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टर्न मी ऑन। तो गाइस हमारे 5 लीवर्स पूरे के ऊपर हो चुका है, यहाँ पे इन पहले 3 लीवर्स के ऊपर आती है बारी, इनमें से कोई 2 लीवर्स डाउन होने वाले हैं, 2 लीवर्स डाउन करने हैं मेरे को, ये भी नहीं है, मे भी हो सकता है ये वाला हो, मे भी हो सकता है ये वाला हो। 1 hour later ऑल राइट गाइस, तो देखो यार जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है एग्जैक्टली मैंने सारी की सारी फॉलो कर दी है, बट ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले वाले में गाइस लिखा हुआ है गेस, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने जब ये सब कुछ गेस किया यहाँ पे, ये सारे के सारे जो नीचे लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सेम टू सेम यही बनता, तो मैं क्या करने वाला, इसका एग्जैक्ट अपोजिट करने वाला हूँ। इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया, अब देखो इन दोनों को ऊपर किया और इन दोनों को किया नीचे, एंड खुल गया भाई। बेवकूफ देखो कैसे बनाते हैं, अरे बाप रे बाप, ओके। अरे भाई यहाँ पे देखो उल्टा था, अप इक्वल टू ऑफ, डाउन इक्वल टू ऑन, ओ माय गॉड मैं कितना बेवकूफ यार, हमको एग्जैक्ट अपोजिट ही तो करना था यार, हिंट देखा ही नहीं भाई। भाई दिमाग की कमी तो मेरे अंदर है, ये मानने वाली बात है गाइस, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। और यहाँ से अंदर शायद से हम लोग कहीं ना कहीं अभी जाने वाले हैं द बैटल। अच्छा सेकंड स्टेज हमारा द बैटल है, अब देखते जरा। फॉर द सेकंड टेस्ट आई विल टेस्ट योर फाइट स्किल्स। अरे भाई तू खुद आ जा, तू खुद आ जा मुझसे फाइट करने के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड को चोरी करेगा तेरी ऐसी की तैसी, तू खुद आएगा ना बेटा एक बारी, तेरे को मैं जिंदा नहीं छड़ने वाला यहाँ पे, समझ रहा है तू। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो टेक द आर्मर इन द मिडल। अच्छा अच्छा यहाँ से आर्मर निकालना, ओके आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरे मुझे आर्मर तो निकालने दे। हेलो मैं पहले ही मर गया गाइस, मेरे पे हर्ट ही नहीं बचे हुए हैं, ये क्या चीटिंग है। हेलो अरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आई वांट दिस, यस एग्जैक्टली, ओ माय गॉड भाई मेरे मुझे स्टार्ट करने के लिए थोड़ा वो तो देता यार, मैं 3 हर्ट पे हूं ऑलरेडी, मैं ऐसे भी मर ही जाऊंगा अभी यहाँ पे। लो जी आई एम वन हिट गाइस, ओ माय गुडनेस, ये लेवल 1 वाले सारे के सारे, हाउ कैन आई इवन किल दिस, मर नहीं रहा कोई भी इनमें से, मरो जल्दी जल्दी। अभी मैं बच सकता हूँ गाइस, मेरे साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है बट स्टिल मैं बच गया ब्रो, मैं मतलब मैं हूँ तो इंटेलिजेंट भैया जी, हमने यहाँ पर गाइस कर दिया। सपोज करो ये वो जॉन द फलाना जी है, ऐसे 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 करके मारूंगा इसकी भैंस की ऐसी की तैसी, पकौड़ा कहीं का। चीटिंग करता है बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बंदे के अंदर यहाँ पे। अब खोल तो दे इसको यहाँ पे कम से कम दरवाजे को, है हिम्मत खोल इसको, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए वापस। क्लिक मी इफ यू आर रेडी, अरे भैया मेरा हो गया। अच्छा क्लिक करने के बाद अंदर टीपी क्या इन्होंने मेरे को, चलो गाइस अब यहाँ से बाहर निकलने का समय आ चुका है भाई, तो मेरी गर्लफ्रेंड वापस दे दे रेड स्टोन। हाँ फाइनली मेरी हेल्थ यहाँ पर वापस आ रही है। फॉर द लास्ट लेवल आई एम गोना टेस्ट योर रेड स्टोन स्किल्स, कोई बात नहीं भाई तू रेड स्टोन की स्किल मेरी टेस्ट कर ले, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैं कुछ भी करेगा बेटा। लेवल 3 रेड स्टोन, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आई गेस क्या करना है, इसको खिसकाना है। हाँ इसको आगे करेंगे एंड वाओ फलाना जी वाओ, इतना खतरनाक टेस्ट, अरे भैया मेरा तो सर चकरा गया भाई, इतना खतरनाक टेस्ट नहीं करना था भाई साहब यार, मतलब कमाल कर रहे हो आप यार। गाइस लेवल 3 कंप्लीट हो चुका है फाइनली, आई थिंक मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, कैन आई गेट मेलेनी प्लीज मेलेनी वापस कर दो, बाय द वे बहुत ही क्यूट नेम है ये किसी भी लड़की का। ओके कम टू माय हाउस फाइनली, वेयर इज इट, कहां पर है भाई तेरा घर। ऑफ कोर्स यार अब रियल लाइफ में तो मैं आऊंगा नहीं, वुड हाउस स्ट्रीट 15, ओके आई एम कमिंग, मैं वापस लेगा मेरी गर्लफ्रेंड को। ये है इसका घर पकौड़े का, आ रहा हूं मैं चल बेटे मेरी गर्लफ्रेंड कहां है, वो नीचे मुझे दिख रहा है उसका नेम टैग, हेलो आई एम इन द बेसमेंट, मैं आ रहा हूं। व्हाट वेट जॉन नीचे लिखा लगा गाइस, व्हाट इज दैट, आई वांटेड टू डू अ टेस्ट ऑन मेलेनी बट आई फेल्ड, वेयर इज शी नाउ, वेल आई फेल्ड सो हार्ड दैट शी डिड नॉट सर्वाइव, आई एम सॉरी वो मर गई, शट अप बदसूरत। अरे इसने मुझे कहीं पर टीपी कर दिया फिर से, अरे भाई ये गलत बात है यार, मैं सिर्फ शट अप बोला यहाँ पे भाई, इसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पे टीपी भी कर दिया। 7 months later मेलेनी भाई बट यहाँ पे बंदा पागल हो चुका है, मेलेनी करके चीखे जा रहा अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। आई हैव टू टेक रिवेंज, आई थिंक ही लिव्स इन द अपार्टमेंट, अच्छा ये सामने वाले जो अपार्टमेंट्स इतने सारे यहाँ पे रहता है वो। ब्रो
भाई बंदे ने देखा है पे क्या लिखा था, तुम लोग खुद गौर से देखो। वेल आई फेल्ड सो हार्ड दैट शी डिड नॉट सर्वाइव, आई एम सॉरी। मतलब उसको मार दिया, उसका स्केलेटन मुंह के सामने दिख रहा था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, एंड बंदा बोल रहा है कि आई एम सॉरी एंड दैट्स इट, बस खत्म कहानी। बेटा बदला तो मैं लूंगा अपनी गर्लफ्रेंड का तुझसे, आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं उसकी मौत का बदला भी और इसी वक्त यहाँ पे लेने वाला। अच्छा यहाँ पे है मिसेस पर्सन्स, मार्बल, ब्राउन, व्हाइट, विल्सन, जैक्सन, एलिवेटर, स्टेयर्स। स्टेयर्स के थ्रू छोड़ो भाई साहब, हम लोग यहाँ पे जाएंगे एलिवेटर्स के थ्रू। एलिवेटर इज ब्रोकन, अब तो पहले ही जाने देते यार, कैसे आदमी हो भाई तुम लोग यार, कमाल है भाई। चलो फटाफट चलो, फटाफट चलो, फटाफट चलो, यहाँ से आगे हम लोग जितना आगे जा सकते हैं मुझे फटाफट यहाँ पर मिस्टर जॉन, मिस्टर फ्रांस जी को पकड़ना है। ब्रो अभी मैं गाइस अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने वाला इस बंदे से, आई एम नॉट इवन जोकिंग गाइस। ओए ये कैसे आवाजें निकाल रहा भाई तू, हेलो पागल हो गया है क्या, पागल है क्या तू सच्ची में? ओके आई गेस दिस इज जॉन्स अपार्टमेंट एंड ओ सामने देखो भाई साहब, वहां पर कुछ तो अंदर गिरा हुआ है। सब कुछ यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से चेक करने वाला हूँ, हर एक जगह मैं अच्छे तरीके से चेक करने वाला हूँ। हेलो इट्स जॉन हियर, वेल आई न्यू यू वर कमिंग सो आई मेड अ ट्रैप, दैट मींस दैट यू आर नाउ ट्रैप्ड। अरे भाई मेरे, ये देखो भाई ये ट्रैप था, इसकी जो ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी ट्रैप। ऑब्जेक्टिव सर्च अ वे आउट, इफ यू डोंट फाइंड इट क्लिक मी। अरे भाई मेरे यार, ये फलाना जी ना हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों रहता है यार, इसने मेरे को ट्रैप में फंसा दिया और अब मैं इसके अपार्टमेंट में आ चुका। देखो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स फलाना जी है, तो अनब्रेकेबल ब्लॉक्स तो होंगे ही ना यहाँ पे, कुछ मैं तोड़ नहीं सकता। यहाँ से बाहर निकलना है जैसे ओ इजी, यहाँ से बाहर निकलना, यहाँ से बाहर निकलना इजी है। माइंड कार्ड सामने है, तुम्हारा भाई यहाँ पे होशियार है फलाना जी, यू आर नॉट होशियार इनफ। ओके मैं जाएगा यहाँ पे रेल सिस्टम के थ्रू, अब मैं तेरी बैंड बजाने वाला। ऑफ कोर्स ब्रो, यहाँ पर हम लोग स्टक हो चुके हैं, यहाँ से बाहर चलना पड़ेगा मेरे को एक बार। यहाँ से आए बाहर एंड लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये मुंडी तुम लोगों के सामने दिख रही है, यही सेम हाल मैं अब यहाँ पे गए फलाना जी का करने वाला। ये कौन है भैया? हेलो भाई फलाना जी, भाई साहब तूने कितने लोग मारे हुए यहाँ पे भाई, ज़ॉम्बी की भी मुंडी ऐसे पड़ी भाई, ज़ॉम्बी भी सोचा होगा भाई कोई इज्जत ही नहीं मेरी माइनक्राफ्ट के अंदर, ऐसे पड़ा पड़ा यहाँ पे सड़ रही है मेरी मुंडी। और देखो स्केलेटन का भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा घटिया। ओह माय गॉड, ये कौन है भाई? भाई तुम सारे के सारे फलाना जी का आतंक से बच नहीं पाए हो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब है। फाइंड अ लीवर, आई गेस यहाँ से हम लोगों को अभी जल्दी जल्दी बाहर निकलना है गाइस, जितना फास्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर अभी लीवर को ढूंढने वाला हूँ एंड मेरे को बस बदला लेना ब्रो, अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला जिसको उसने काफी निर्दयी वे से मार दी। ये क्या है? हेलो, अच्छा वो है क्या बोलते हैं उसको, लाइक पफर फिश है। ओ लीवर दिखा मेरे को। द सीक्रेट डोर हैज ओपन्ड, पर कहां पे खुला है सीक्रेट डोर? ओ ये वाला यहाँ पे आई गेस हम लोग यहाँ, नहीं मैं तैर के नहीं जा पा रहा भाई। हेलो, हम लोग तैर क्यों नहीं पा रहा ब्रो, मैं यहाँ पे किसी यहाँ पे खुला हुआ है, लेट्स गो डाउन। ब्रो इस बंदे ने जो ये मिस्ट्री यहाँ पर लगाई हुई है ना फलाना जी ने, ये बहुत औसम है, ये डोर बहुत ज्यादा औसम था बाय द वे। चलो यहाँ से आगे। ओ भाई जो मैं डरा हूँ ना अभी यहाँ पे, I'm not even joking man, who are you, what are you doing here, calm down man, I found the lever and the door opened, okay यहाँ पर मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ guys, मैंने इसको बोला कि I'm searching for John, ये बोला पहले who is John, I said he killed my girlfriend, I guess ये बुजुर्ग अंकल मेरी मदद यहाँ पे कर सकता है, देखता रहेगा। So you wanna go to John? Yes of course bro, मुझे जॉन के पास जाना है यार, मुझे बता दे please। So step in my teleporter and I TP you to John. Okay, I mean out of nowhere ये बंदा मेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हो चुका। सॉरी हमें इसको तलवार मारने वाला था एक बारी। एंड भाई साहब, इज दिस गाय ग्रेट और एंड समथिंग मैन, मेरे को बताओ जरा तुम लोग। ये देखो इसका लैपटॉप एंड ये है इसकी गेमिंग चेयर, लेट्स गो। कितनी ही ज्यादा ऑसम लग रही है ब्रो ये चेयर, ओ तेरी। ये देखो गाइस जो मेरी चेयर कर सकती है, ये देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैं लेट भी सकता हूँ आराम से, वही सेम टू सेम इस बंदे की चेयर भी कर सकते हैं। हाउ कूल इज दिस? ओके ठीक है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा गाइस, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना है। ओके इसने मुझे कहीं पर टेलीपोर्ट करवा दिया है। ऑल राइट वेल ही इज इन द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन में क्या कर रहा है भाई ये बंदा? हेलो टिकट, वेट हम लोग कहां से कहां पहुंच गए भाई यहां पे यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। आंटी प्लीज मेरे को टिकट पकड़ा दो आप यार, हाउ कैन आई हेल्प यू, बस टिकट दे दे, मेरे को जाना है जॉन के पास, उसको मारना है मैंने, दैट्स इट। हैव यू सीन
A fat ugly man. Oh yes, 10. What the heck, bro? फलाना जी को इस दीदी ने बदसूरत बोला सी। मैंने तो गुस्से में पूछ दिया इससे, Have you seen a fat ugly man? ये बोलिया, Yes, 10 minutes ago. I mean, it's like मैं इसको बोल रहा हूँ कि बदसूरत आदमी को देखा, ये बोल रहे कि बदसूरत आदमी, हाँ हाँ अभी अभी यहाँ पे 10 मिनट पहले गया था अंदर। थैंक यू सो मच, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से अंदर। एंड फलाना जी, मैं आपको भी छोड़ने वाले, हाँ बोर्ड करनी है मैंने ट्रेन ब्रो, एंड लेट्स गो इनसाइड। अभी गाइस ये ट्रेन मेरे को लेके आ चुकी है जहाँ पर मेरे को वो बंदा मिल सकता है। फाइनली नाउ लेट्स फाइंड वेयर ही इज बेसिकली। ओह मैं समझ गया हूँ भाई, जब मैं उस बंदे के अपार्टमेंट में गया ना, जब उसने वहां पे लिखा हुआ था मैं तेरे को ट्रैप के अंदर डाल दिया है, तो उसको पता था कि मैं उसका पीछा करने के लिए ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। तुम लोगों को पता फलाना जी के स्पाइस हर जगह पे होते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो भाई वो बंदा भाग गया घर से और ट्रेन पकड़ के इस टाउन के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं पर मेरे को बस उसको ढूंढना है ब्रो, आई एम नॉट इवन जोकिंग। अभी ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अभी तुम लोग देखो यहाँ पे, तू मुझे दिख तो जा एक बार, खुपचे खुपचे में जाएगा, आजा बेटे यहाँ पर आयरन की स्वॉर्ड लेके आ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा भैया। ये रहा सामने फलाना जी। Why do you always chase me? लिख रहा है भगवान। Then we will fight. आजा, आजा लड़ मेरे साथ। मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं अभी। What? अबे इतने सारे zombie skeleton छोड़। Cheater तेरी पकौड़े। रुक जा। इतना cheater है भाई ये बंदा। खुद नहीं आ रहा लड़ने के लिए, इन लोगों को भेज दिया। आजा, आजा, आजा। तेरी ऐसी की तैसी। आओ तुम लोग, तुम सारे इसके चेले हो ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए आऊँ। तुम लोगों के पास आखिरी चांस है गाइस, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला मैं इसी से। भाई तुम लोगों को मरना है तो आ जाओ, आ जाओ, आ जा, आ जा पकौड़े, आ जा, आ जा, आ जा। हिलूंगा भी नहीं, एक जगह से हिलूंगा भी नहीं। ले नहीं नहीं, हिलना पड़ेगा। आई एम गोना डाई अदरवाइज। अभी किसी भी हालत में मैं मर नहीं सकता हूँ, वरना मेरी गर्लफ्रेंड को अवेंज कौन करेगा? उसके पड़ोसी का कुत्ता थोड़ी करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। आखिरी बचा है, चल भाग यहाँ से। एंड इसी के साथ यू आर ऑल अलोन मिस्टर फलाना जी। तू जितना मर्जी नाम चेंज कर दे बट तू मुझसे नहीं बच सकता है, तू स्मार्टीफाई से नहीं बच सकता है, समझा? समझा कि नहीं समझा? बैम। व्हाट स्कैम ब्रो। हेलो, क्लिक मी इफ यू आर रेडी। ओके मैंने क्लिक किया इसको। वेल वी कैन टॉक अबाउट इट। ना 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 ना, अब तुझे मुझसे बात करनी है। No, you took my girlfriend. Now I take you. Exactly, guys. इसने मेरी girlfriend को मारा था ना। Now it's time कि मैं उसको मारू। And by the way, I guess मैंने उसको already मार भी दिया है। Oh, Melanie. Oh, you. ये मेरी girlfriend की grave है। Oh my God, मैं ढंग से देख भी नहीं पाया। I love you नीचे लिखा। Oh, this is so sweet. Part 2 चाहिए इस मैप का। Part 2 मुझे चाहिए इस मैप का। Part 2 अगर तुम लोगों को चाहिए गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस मैं तुम लोगों को ना एडिटिंग में दिखा देता हूँ, ये है मेरी गर्लफ्रेंड की ग्रेव। अरे भाई पता नहीं क्यों बट ये चीज देख के मुझे लाइक ऐसे दुख जैसा हुआ यार, गेम के अंदर ही था बट ऐसे पर्सनली दुख हुआ मेरे को यार बहुत ज्यादा यार। सो गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी टाइप के और धांसू वीडियोस के लिए तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से ऑसम मैन, बाय बाय।